बात है आज चंद्र ग्रह की। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा 90% लोगों का चंद्र ग्रह ही जो है वो खराब होता है। जब चंद्रमा खराब होता है तो आपके जो पित्ते में पथरी आती है ना, वो चंद्र ग्रह से। आजकल तो सर्दी जुकाम खांसी दमा ये सब जितनी भी बीमारियां हैं चंद्र ग्रह से ही। अब चंद्रमा को ठीक कैसे किया जाए भी? नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यानी कि आज बात करेंगे हम मन के ग्रह की, यानी कि चंद्र की, चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है। तो आज बात करते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से कि चंद्रमा के खराब होने की निशानियाँ हैं क्या। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए हमें? अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो हमें कौन से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए? तो स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है। हालांकि पिछला एपिसोड हमने किया है सूर्य देव के ऊपर, सूर्य देव के खराब होने की निशानियां बताई, सूर्य देव का बीज मंत्र बताया, बहुत सारे आपने कारण बताए कि बिना कुंडली देखे हम सूर्य देव खराब कैसे होते हैं हम जान सकते हैं। लेकिन बात है आज चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह जो है वो मन का कारक है, यानी कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा 90% लोगों का चंद्र ग्रह ही जो है वो खराब होता है। क्या बिना कुंडली देखे हम ये जान सकते हैं कि हमारा चंद्र ग्रह खराब तो नहीं है? इसके खराब होने की निशानियाँ क्या हैं? किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो? बहुत शुक्रिया जी, आपने आज आपने बात की चंद्र की। पहले सूर्य की बात की थी, आज चंद्र की, फिर मंगल की, गुरु की हम बात करते रहेंगे। ये हम केतु तक पूरी सीरीज चलाएंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता, इसलिए हमारा एपिसोड लेट जरूर आता है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चंद्रमा खराब होता है तो क्या होता है? जब चंद्रमा खराब होता है तो आपके जो पित्ते में पथरी आती है ना, वो चंद्र ग्रह से ही आती है। आपके पास जो पैसा नहीं ना टिकता, चेन में पैसा ही नहीं टिकता, वो चंद्रमा से। लिक्विड मनी का कारक भी चंद्रमा होता है। आंखों की रोशनी, जो पीछे से लाइट आती है वो सूर्य से, जो आगे से लाइट आती है वो चंद्र से। यानी कि आंखों की रोशनी सूर्य से भी, वो पीछे की लाइट चंद्र से भी। और चंद्र से जो मास की प्रॉब्लम आती है स्त्रियों को, वो भी चंद्र ग्रह से आती है। चंद्र ग्रह से बहुत कुछ आता है। माता की सेहत खराब रहती है, आपका मन पर परेशान रहता है, आपका सिर दर्द होता है, तो भी चंद्र से ही आता है। चंद्र ग्रह से कहते हैं ना, जब कभी सर्दी जुकाम लग जाता है आपको, बच्चों को सर्दी जुकाम लगता है, बच्चों को तो खराब होता ही होता है। आजकल तो सर्दी जुकाम खांसी दमा ये सब जितनी भी बीमारियां हैं चंद्र ग्रह से ही आती हैं। अगर आप सबको इन बीमारियों ने घेरा हुआ है तो समझ लीजिए आप सबका चंद्रमा खराब है। वैसे 98% सभी लोगों का चंद्रमा खराब होता है। पैसा टिक नहीं पाता, दिमाग परेशान रहता है, नींद नहीं आती रात भर, तो चंद्र खराब की निशानियां ही होती हैं। चंद्र देव को कैसे ठीक किया जाए? चलो, ये तो मैंने बताया मोटा मोटा, चंद्रमा खराब होता है तो हमें पता कैसे चलता है, ये मैंने बताया बिना कुंडली देखे। यानी कि आप कुंडली को नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा मेरे पास पैसा टिकता, इसका मतलब मेरा चंद्र खराब है। मेरे पास कहते हैं दमा खांसी बीमारी जाती नहीं है, खांसी बार बार आती है और कफ बार बार हो जाता है, कोल्ड होता है, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। अगर कहीं पित्ते की प्रॉब्लम है, पित्ते में पथरी आती है, तो भी चंद्रमा खराब आपको पता चल जाएगा। जी, मैंने सभी बीमारियां के बारे में आपको हदायतें दे दी चंद्रमा कैसे खराब होता है। लेकिन कुंडली में चंद्रमा अगर किस जगह पर बैठा हो तो चंद्रमा खराब होता है, सुनिए बहुत ध्यान से। राहु के साथ चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा खराब होता है, चंद्र राहु का मेल आ जाए चंद्रमा खराब होता है। केतु के साथ चंद्रमा आ जाए तो खराब होता है, चंद्र और केतु का मेल आ जाए चंद्र खराब होता है भाई। और शनिदेव के साथ चंद्रमा आ जाए तब भी खराब होता है भाई। अब सूर्य के साथ आ जाए, हालांकि सूर्य से रोशनी लेता है अगर, लेकिन सूर्य के साथ बैठ जाता है तो भी चंद्रमा खराब होता है, भी मत्स्य योग बना देता है। अगर कहीं बुध ग्रह के साथ आके बैठ जाता है तो भी चंद्रमा खराब होता है। आप बोलोगे बचे कौन गया भाई, अब तो बचे कोई नहीं है। अरे भाई, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता है, शुक्र के साथ महालक्ष्मी योग बनाता है,
चंद्रमा अगर अच्छे ग्रहों के साथ गुरु के साथ गज के से योग बनाता है, इसलिए चंद्रमा कौन सी घर में बैठा हुआ, कौन से और कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ये आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। ये तो मैंने बता दिया चंद्रमा। जो लोग कहते हैं कि हमें कुंडली देखनी नहीं आती, उनके लिए मैंने बता दिया निशानियाँ चंद्रमा खराब कैसे होता है। जो लोग कुंडली देखते हैं अब वो भी बहुत ध्यान से सुनिए। तीसरे घर में चंद्रमा खराब होता है, छठे घर में चंद्रमा खराब होता है, अष्टम घर में चंद्रमा खराब होता है और बारहवें घर में चंद्रमा खराब होता है, ये भी मैंने बता दिया। और मैंने किस ग्रह के साथ बैठते तो भी चंद्रमा खराब होता है। अगर चंद्रमा नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र किसका होता है भाई? केतु का। केतु का। और रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र किसका होता है? बुधदेव का। बुधदेव का। और जितने भी बुध और केतु के नक्षत्र, तीन बुध के और तीन केतु के, छह नक्षत्र गंडमूल में जिसे कहते हैं गंडमूल आता है, तो ये चंद्रमा खराब होता है। देखिए बुध के साथ बैठ जाए तो भी चंद्रमा खराब, और केतु के साथ बैठ जाए तो भी चंद्रमा खराब, अगर उसके नक्षत्र में बैठ जाए तो गंडमूल लगा होता है। अब मैंने आपको पूरी की पूरी नॉलेज दे दी। अब चंद्रमा को ठीक कैसे किया जाए भाई? चंद्रदेव का मंत्र पढ़िए, ओम श्राम श्रीम सोम सह चंद्रमस्य नमः, आप ये पढ़ सकते हो। और नहीं तो कोई अगर ये भी नहीं पढ़ना आता तो चंद्र का यंत्र बनाइए, जैसे कि मैंने पिछली दफा बताया था सूर्य का यंत्र, तीन खाने बनाइए और उसके ऊपर अंक लिखिए, जैसे कि 7, 8, 3, तो कितना अंक बन गए टोटल? 18। हर तरफ से 18 का अंक जोड़ाना चाहिए तो चंद्र यंत्र बन गया। अगर आपका खराब है बहुत ज़्यादा और युगकारक है, खराब हो रहा है, तो उसको बना के आप अपनी पकड़ में रख सकते हो। अगर वो खराब घर में बैठा हुआ है तो चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो। बनाना कैसे है? भोजपत्र के ऊपर अनार के कर्म से और चंदन की लेप से। क्या बात, देखिए सब कुछ मैंने बता दिया। अगर चंद्रमा ठीक करना चाहते हो तो मंत्र पढ़ सकते हो, यंत्र लिख सकते हो और चंद्र माता की सेवा कर सकते हो। चंद्रमा ठीक करना है तो बहुत आसान है। ऐसे करने से होगा क्या? जो मन आपका अशांत रहता है वो शांत रहना शुरू हो जाए, जो माता की सेहत खराब रहती है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जो आपके पास लिक्विड मनी नहीं टिकती वो ठीक हो जाएगा, सिर दर्द भारी जाता है, आंखों की निगाह कमजोर है, खांसी की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, इतने में पथरी है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चंद्र से खराब होती है, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और एक सबसे आसान उपाय चंद्रमा का, जब आप नहाने जाते हो, नहाने के बाद बाथरूम में जो आपके तन से बिछड़ा हुआ पानी है उस पानी के ऊपर कोई पैर रखता है तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो उस पानी को इकट्ठा करके वाइपर के साथ फिर बाहर आइए। तो आपने चंद्र का सुबह सुबह ही उपाय कर लिया, शुक्र का भी उपाय कर लिया, उसकी सफाई हो गई, तो शनि का उपाय भी कर लिया अपने हाथ से सफाई की। देखिए तीन ग्रह तो सुबह सुबह ही आपने ठीक कर लिए, लेकिन चंद्रमा को ठीक करना है तो बहुत आसान उपाय मैंने दे दिए। अगर ऐसे करते हो तो लिक्विड मणि जो नहीं टिकती वो भी रहनी शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो जो चंद्र की राशि आती है वो फोर्थ हाउस में आती है। अगर हम कारक की बात करें तो चंद्रमा जो है चौथे घर का कारक भी है। तो आपने देखा है कि लोग जो है पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं, बाथरूम में नहाते हैं बाल्टी भरती रहती है, खुद पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, जब घर में बर्तन धोए जाते हैं तो नल जो है वो खुला छोड़ देते हैं। क्या प्रोफेसर इनसे भी चंद्रमा खराब होता है? बिल्कुल शिफाली जी, जो पानी का कारक है वो चंद्र है, पानी का कारक है वो चंद्र है। अगर आप गाड़ी धोते वक्त टैप्स आपकी चलती रहेगी, आप आराम से साबुन लगाते जाओगे, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है, जो पानी सबसे ज़्यादा फेरता है। और सबसे ज़्यादा एक मैं अपनी बात करूँ, मैं ब्रश भी करता हूँ ना, ब्रश थोड़ा सा गीला किया और टैप्स को बंद किया तब ब्रश करना शुरू कर दिया। लोग क्या करते हैं, टैप चलती रहती है ब्रश करते रहते, टैप चलती रहती है ब्रश करते रहते, ऐसे चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो जो लोग नहाते वक्त, देखिए नहाते वक्त शावर का आप इस्तेमाल किया कीजिए, शावर तब लगाया जब चलाया जब आपने नहाना है, फिर शावर बंद करके साबुन वाबुन लगाइए। ऐसा अगर करते हो तो चंद्रमा, कहते पानी की बचत होती है सबसे बड़ी चीज़, और दूसरा चंद्रमा खराब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो तो आपने चंद्रमा तो सुबह सुबह ही ठीक कर लिया। एक शिफाली जी ने बात कही थी, हम किस देवी देवता की आराधना करें? शिव की आराधना कीजिए जो लोगों का चंद्रमा खराब है।
शिव की आराधना ओम नमः शिवाय, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, लेकिन शिव की आराधना करने से चंद्रमा शांत होता है। प्रोफेसर साहब, ये तो थी चंद्रमा के खराब होने की निशानियाँ, लेकिन अब बात करेंगे हम पॉजिटिव भी, कि जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं क्या उनका चंद्रमा अच्छा होता है? शिफाली जी, ट्रैवलिंग करने से बुध शुक्र और चंद्र तीनों ही ग्रह अच्छे होते हैं जी। अगर ट्रैवलिंग करता है इंसान तो चंद्रमा अच्छा होता है, अगर धार्मिक स्थान पे जाता है ट्रैवलिंग करते हुए तो गुरु भी बृहस्पति भी ठीक होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, चंद्रमा कैसे ठीक होता है, अगर आपकी जेबी नोटों से भरी रहती तो आपका चंद्रमा ठीक है, अगर आप तंदुरुस्त हैं सर दर्द नहीं होता तो आपका चंद्रमा ठीक है, अगर आपकी माता आपके ऊपर ध्यान देती है, मेरे बच्चे ध्यान रखना, खाना वाना खा लेना, मैंने पिनियाँ बना के दी हैं आपको, रास्ते में जरूरत हो तो खा लेना, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। तो देखिए चंद्रमा अच्छी की निशानियाँ ये होती, जो मैंने बातें बताई उसका उल्ट कर लीजिए, चंद्रमा अच्छा होता है। अगर आप हंसते खेलते हुए ट्रैवलिंग करते हो, अगर ट्रैवलिंग करते हुए वापस आते हो तो आके ही प्रॉब्लम आती है, तो समझ लीजिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है जी। प्रोफेसर साहब, ये थी छोटी सी चर्चा चंद्रमा के ऊपर कि कैसे हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, इसके खराब होने की निशानियाँ, और सबसे बड़ी बात किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि आपका चंद्रमा ठीक हो। तो बीज मंत्र भी बता दिया प्रोफेसर गुरदीप बुढ़ा साहब ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम जल्द ही मंगल देव के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, ओम नमः शिवाय।